जिस नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 सम्मेलन में आए नेताओं के जरिए यहां कर रहे हैं, वह नालंदा विश्वविद्यालय फिर से एक बार उठ खड़ा हुआ है। आज के समय में यह विश्वविद्यालय पुराने अक्ष को लेकर के एक जीता जागता स्वरूप है, जो फिर से विश्व को ज्ञान की रोशनी से नहलाने के लिए तैयार है। जैसे इतिहास को बताते हुए पीएम मोदी कह रहे थे कि यह विश्वविद्यालय पूरे विश्व के लोगों का आकर्षण का केंद्र था, आज फिर से यह विश्वविद्यालय अपने पुराने अक्ष को लेकर के उठ खड़ा हुआ है। और उसको बनाने के पीछे जो शख्स हैं, इसके पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुनैना सिंह, उनसे खास बातचीत किया है इस पूरे इतिहास के बारे में, या कहिए तो इस यूनिवर्सिटी के बनाने के पूरे जर्नी के बारे में। इस वीडियो को आप जरूर देखिए। दुनिया के किसी भी क्षेत्र से लोग पलटे तो नालंदा का नाम उनके जबां पे रहना चाहिए, इनके मस्तिष्क में ये आए। कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो कैंपस है आपका नालंदा यूनिवर्सिटी जी। 17 महीने का बफर स्टॉक है आप लोगों के पास पानी का, वाटर रिसाइकल कर लेती है खुद यूनिवर्सिटी, वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करती है, जो कार्बन एफिशिएंस स्ट्रक्चर है वहाँ का, ऐसे टेक्नोलॉजी को जो इनकॉर्पोरेट किया है आप लोगों ने, क्या लगता है कि पुराने धरोहर को एक नए अंदाज में परोस करके आज के स्टूडेंट को देना है, क्या ध्येय था आपका? कितना चैलेंजिंग रहा मैम आप एक बार ये तो बड़ा ये चैलेंजिंग तो हर स्टेप पे रहा, हर कदम पे रहा। आज आप जितने ब्रिक्स देख रहे हैं, ईंट देख रहे हैं जो बने हैं, ये हमारे ही बनाए हुए हैं वहाँ पर। और जो पानी है इसको रिसाइकल करते हैं, ये आहार पाइन के द्वारा पानी का भी हमने रेन वाटर को स्टोर किया है, नेचुरल वाटर हिल्स से आते हैं, पहाड़ से आता है पानी। अपने ऐतिहासिक अक्ष को नए अंदाज में तराशता हुआ नालंदा यूनिवर्सिटी उठ खड़ा हुआ है, और आज ये अपनी नई पहचान लिए विश्व पटल पर फिर से शिक्षा जगत में एक नए अध्याय को शुरू करने जा रहा है। इस अध्याय को लिखना 2017 में शुरू हुआ, जब इसके वाइस चांसलर के रूप में प्रोफेसर सुनैना मैम ने ज्वाइन किया था। आज हमारे साथ मैडम खुद ही हैं, और आज आपको इस ऐतिहासिक या कहिए इस ग्लोरियस जर्नी में, जब इस 6 साल में यह विश्वविद्यालय उठ खड़ा हुआ है, उन सभी बातों को एक एक करके आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तमाम दर्शकों की तरफ से मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। ये जो 6 साल का जर्नी रहा है मैडम, जो एक बड़ा चैलेंज है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से उसी शक्ल में खड़ा करना है, और जब आपने ज्वाइन किया था, हमने एक पिक्चर देखा जो उसमें कीचड़ था, उसमें भैंस लेट रही है, एक समझिए तो मरुभूमि था वो, जिसको आपने जीवन स्वरूप बना दिया। कैसे ये सफर शुरू हुआ और यहाँ तक कैसे पहुँचा? ये देखिए, जो जर्नी शुरू हुई मेरी 2017 में, ये बहुत से लोगों की आकांक्षाओं पर निर्भर थी। क्योंकि मैं जब आई थी तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे थे ऑनरेबल प्रणब मुखर्जी जी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे सुषमा स्वराज मैडम, और नीतीश कुमार जी यहाँ पर बिहार में। तो इतनी आकांक्षाएं थी इस यूनिवर्सिटी से, क्योंकि ये एक विश्वविद्यालय इंटरनेशनल जो प्रोफाइल बनाया गया था इसका, इसमें देखिए हिस्टोरिकली और हमारे जितने ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया तक, साउथ ईस्ट एशिया, सभी हमारे हिस्टोरिकल कनेक्शंस हैं। विश्व का शायद सबसे पहला या दूसरा यूनिवर्सिटी था नालंदा, और इस ज्ञान भूमि में था। तो मैं जब यहाँ आई थी तो बहुत सी उम्मीदें लेकर आई थी कि मैं कैसे इसको एक, आई क्रिएट ए न्यू फ्रॉन्टियर ऑफ नॉलेज, जो इंडिया को दर्शाता है, भारत को दर्शाता है। एक नॉलेज का सेंटर तो इंडिया है ही, मगर हमको दुनिया ऐसे देखती है कि हम सॉल्यूशन सेंटर भी हैं। कोई प्रॉब्लम हो आज के दिन भी, इंडिया का रेजिलियंस, जो हमारी हिम्मत है, जो एबिलिटी टू रेस्पेक्ट अदर रिलीजन्स, ये बहुत बड़ी बात है। और ये कंट्रीज़ जहाँ पर एक दो रिलीजन्स है, इनको समझ ही नहीं आता कि भारत ने क्या, इनकी ज्ञान प्राप्ति इतनी ऊंची है कि यहाँ पर हर इंसान एक बहुत ही विशाल हृदय का है और विशाल सोच धारा रखता है। तो ये तो इतिहास था। अब इसको हम कैसे नालंदा नई यूनिवर्सिटी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये मेरे लिए बड़ा चैलेंज था मैं जब आई थी। आपने जैसे पहले बताया, यहाँ पर कुछ नहीं था,
ज़मीन जो हमारे नीतीश कुमार जी ने दिया था 455 एकड़ की, ये तो बंजर भूमि थी। मैं जब आई थी दो पोटा केबिन थे और कुछ खास परिवर्तन नहीं दिखा था मुझको, कोर्सेज भी बहुत कम थे, स्टूडेंट्स भी कम थे। तो मैंने कहा कि इसको तो देखिए आपको ट्रांसफॉर्म करना ही होगा और बदलाव ऐसा हो कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र से लोग पलटे तो नालंदा का नाम उनके जबाँ पे रहना चाहिए, इनके मस्तिष्क में ये आए कि भारत फिर से एक विश्वगुरु के रूप में परिवर्तित हो रहा है 21st सेंचुरी के लिए। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट था कि हमारे कोर्सेज यूनिक रहे और आसियान और जो जितने पार्टिसिपेटिंग 17 देश हैं आज हमारे पास जो नालंदा को सपोर्ट किए हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी को बहुत बहुत मेरा नमन है उनको, क्योंकि इन्होंने यहीं पर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में नालंदा को एक रिनेजांस, नया करवट बदलना चाहिए भारत को और नालंदा को पुनर्जीवित करके, इनकी ये धारणा थी और उस धारणा को गवर्नमेंट ने पूरा किया। और फिर मेरा कर्तव्य था कि मैं इसको 100 कदम आगे ले जाऊं। तो मैंने काम किया जहां पर शिक्षा का क्षेत्र है, कोर्सेज कैसे हों और हम कितने इनोवेटिव हो सकते हैं, सो दैट जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ये सभी देशों से आए। और जहाँ भी बुद्ध चलते थे, मैं तो बोलती हूँ कि यहाँ तो ज्ञान के बीज अपने आप उभर आते थे। तो ये देश ऐसा है, शांति का देश है, ज्ञान का मार्ग दिखलाता है। तो नालंदा को भी उसी तरह से फिर से पुनर्जीवित होना था, तो ये धारणा से मैंने काम किया। तो एकेडमिक जो हमारे कोर्सेज हैं, जो पढ़ाई चलती है, इसके लिए एक शरीर होना चाहिए। हम कहाँ पढ़ाएंगे? बच्चे थे हॉस्टल्स में और हॉस्टल्स हमने बाहर के तीन चार होटल को हायर किया गया था, बच्चे वहाँ थे तो वहाँ पर भी 30 कमरे 20 कमरे हुआ करते थे। तो हम ज़्यादा बच्चों को एडमिशन भी नहीं दे पाते थे यहाँ पर उस वक्त। तो मैंने कहा कैंपस जब तक नहीं बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं होगा, हम पूरी तरह से इसका नालंदा को फिर से एक प्रेरणा सूत्र बनाना है, तो फिर हमको सभी दिशा में काम करना है। तो वहाँ पर मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा उठाया, तब तक कुछ हुआ नहीं था। तो 17 मई में मैं आई तो हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ मई एंड में। और बावजूद के 2 साल हमारे कोविड के रहे, हमने 5 साल में या 4 साल में 200 स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। इसमें 100 एकड़ तो सिर्फ तालाब बनाए हैं, बिहार में तालाब बहुत हैं, तो यहाँ पर वाटर रिचार्ज कैसे करें इस पे काम करवाया। आहार पाइन का जो हमारा एंशियन नालंदा में है तो वो लिया। फिर हमारे आर्किटेक्ट को कहा गया कि सारा जो बनेगा ढांचा हमारा नालंदा का, ये हो बेस्ड ऑन एंशियंट नालंदा, हमारी पुरानी जो धरोहर है नालंदा की बिल्कुल वैसे ही उसका अक्स है हमने जो बनाया है। तो ये मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि आज तकरीबन 200 स्ट्रक्चर्स बने हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ, मगर एंशियंट मूलधारा पे ये फाउंडेशन वो है इसका। तो 100 एकड़ तो हमने तालाब बनाए हैं, 300 एकड़ पे हमने लाखों पेड़ लगाए हैं और 3-4 साल लगेंगे हरा भरा लगने के लिए। ग्रीनरी मैडम कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो कैंपस है आपका नालंदा यूनिवर्सिटी जी। 17 महीने का बफर स्टॉक है आप लोगों के पास पानी का, वाटर रिसाइकिल कर लेती हैं खुद यूनिवर्सिटी, वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करती है, जो कार्बन एफिशिएंस स्ट्रक्चर है वहाँ का, ऐसे टेक्नोलॉजी को जो इनकॉर्पोरेट किया है आप लोगों ने, क्या लगता है कि पुराने
धरोहर को एक नए अंदाज में परोस करके आज के स्टूडेंट को देना है, क्या ध्येय था आपका ऐसा? ये मेरा ध्येय ये था कि हम अगर सस्टेनेबल कैंपस बनाएंगे यूनिवर्सिटी, तो हमको देखना होगा कि नई नई टेक्नोलॉजी क्या है, और फिर हमारे पुराने नालंदा से हम क्या सीख ले पाते हैं। तो इन दोनों का मिश्रण करके हमको एक यूनिवर्सिटी ऑफ द फ्यूचर बनानी है, क्योंकि एंशियंट नालंदा तो है ही, अभी ये 21st century एंड बियॉन्ड नीड्स के लिए। आज मेरे पास 38 देश के बच्चे पढ़ रहे हैं, और हमने कोर्सेज 2 या 3 से 30 कोर्सेज पढ़ाते हैं। तो ये हमने नेट ज़ीरो का जब सोचा कि वेस्ट मैनेजमेंट हो, तो हमने जो तालाब को खोदा गया उसी ज़मीन से ब्रिक्स बनाए, अनबर्न्ड ब्रिक्स, उसी मिट्टी, ये कंप्रेस उसी मिट्टी से ब्रिक्स बनवाया। तो ये टेक्नोलॉजी हमने नेट ज़ीरो कमिटी बनाई, मैंने जब आई थी तो यहाँ पर स्टेक होल्डर सभी को लिया गया, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे मेरे पास, अर्बन डेवलपमेंट के थे, नेट ज़ीरो यूएस के टेक्नोलॉजी को भी हमने, वहाँ के एक्सपर्ट्स को भी बुलाया हमको गाइड करने के लिए, क्योंकि आई एम नॉट एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं तो लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, और मैं विषय वही पढ़ाती हूँ, कल्चर और लिटरेचर अभी भी पढ़ाती हूँ मैं यूनिवर्सिटी में। लेकिन हमने सोचा कि अगर हमको एक नई दिशा तैयार करनी है तो हमको नई सोच लानी ही होगी, और इसको बिहार में, हम हैं राजगीर में, और राजगीर तो वैसे ही डेवलप हो रहा है, अच्छी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें नेट ज़ीरो एनर्जी के हमने अलग अलग मॉडल बनाए, सभी एक्सपर्ट से कंसल्ट किया, वेस्ट की एक एग्जांपल मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ कि ज़मीन जो हमने खुदाई की थी उसी मिट्टी से हमने ब्रिक बनाए। आज आप जितने ब्रिक्स देख रहे हैं, ईंट देख रहे हैं जो बने हैं, ये हमारे ही बनाए हुए हैं वहाँ पर, और जो पानी है इसको रिसाइकल करते हैं, ये आहार पाइन के द्वारा पानी का भी हमने रेन वाटर को स्टोर किया है, नेचुरल वाटर हिल्स से आते हैं, पहाड़ से आता है पानी, बारिश का पानी है, ये 13 तालाब बनाए हैं मैंने, और इसी पानी को हम रिसाइकल करते हैं। तो 17 महीने का बफर ये बना लिया है, हाँ स्टॉक है हमारे पास, और क्योंकि राजगीर के तरफ सूखा है, बिहार में दूसरी तरफ मोतिहारी साइड में बारिश बहुत होती है, यहाँ पर नहीं होती है, और लास्ट ईयर तो सूखा था, तो अभी हमारे बफर स्टॉक से ही हम पानी इस्तेमाल कर, हमने आज तक एक बकेट पानी नहीं खरीदा बाहर से, 200 स्ट्रक्चर बनाए जी। ये बड़ी बात है। एनर्जी आप देखेंगे, 20 एकड़ में सोलार फार्म बनाया है मैंने, और एक बिजली बनाती है। जी सरप्लस बिजली बना लेते हैं। हाँ सरप्लस है, कल हम आने वाले सालों में हम ये एनर्जी गांव वालों को भी दे सकते हैं, इतना ये ऐसा बनाया है। तो इसमें बहुत लगन लगी, बहुत कमिटमेंट, बहुत पैशन, हमने 24 घंटे में 18-19 घंटे काम किया है हमने, और एक छोटा टीम लेकर थोड़े एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर मैंने बुलाए, क्योंकि एक्सपर्टीज़ को खोजना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट, आपको अच्छा लीडर चाहिए तो कमिटमेंट है, पैशन है, एबिलिटी टू हार्डवर्क कर सकते हैं, ये सब हमने दिया है। तो आज आप देखिए नालंदा उठ खड़ा हुआ है, और जी सच में नालंदा उठ खड़ा हुआ है, और आपने बारीकी से हर चीज़ों का ध्यान रखा, बच्चों के पढ़ने से लेकर उनको उनके खेलने कूदने तक, 2 स्टेडियम बना रहे हैं आप लोग जी। साथ में आपने जो डाइनिंग हॉल बना है वहाँ में, वो एकदम वर्ल्ड क्लास है, कहिए तो 5-स्टार होटल को कम्पीट देता है जी। ये जो थीम है मैडम, उसमें हमने देखा कि ग्लोब लगा हुआ है, कई देशों के फ्लैग लगे हुए हैं, तो ये सोच और इस डिजाइन को आपने इनकॉर्पोरेट किया, तो क्या सोच को लेकर? मैं चाहती थी, क्योंकि हमारा ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, मैं चाहती थी कि नालंदा फिर अट्रैक्ट करे, ये आकर्षित करे सभी देशों के स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ के कोर्सेज जो बनाए हैं हमने, वहाँ भी अलग अलग एक्सपर्ट्स को लेके मैंने बनवाए हैं,
और एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने जब मेरा रोड मैप बनाया, मैं मानती हूँ कि हर कुलपति को 5 साल का प्लान बनाना चाहिए, मैंने बनाया वो, और गवर्निंग बोर्ड ने बहुत प्रशंसा की उसकी और उसी पे काम किया। तो ये डाइनिंग हॉल जब आता है, एक ग्लोब सेंटर में रखा गया, क्योंकि ये कहीं से भी स्टूडेंट कल शिक्षा लेने आए तो ये आइडेंटिफाई कर सके कि ये एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर्स, ये सारे कल्चर्स का मिश्रण है नालंदा, एक बहुत ही रेयर एग्जाम्पल बनना चाहिए। और यहाँ पर हमारे 17-18 देशों के फ्लैग्स लगवाए मैंने, और यहाँ पर कोटेशंस लगवाए हमने कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम नॉलेज को कैसे फिर से, भारत को कैसे फिर से एक ज्ञान भूमि बनाए इसको। तो आज देखिए मेरे पास, मैंने जैसे कहा 38 देश के बच्चे हैं, और ये इतना खुशी से रहते हैं वहाँ पर। ये नॉलेज सेंटर है, एक बॉर्डरलेस लर्निंग माहौल बनाया है मैंने, कि यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम नई शिक्षा प्रणाली में बच्चे कहीं से भी आएँ, आप अमेरिका के हो या भूटान के हो, वियतनाम के हो, मलेशिया के हो, चाइना के हो, टर्की के हो, अफ्रीका के हो, सभी आए हैं हमारे पास अब, और सभी इतना खुश रहते हैं माहौल में। और स्टेडियम्स भी बनवाए हैं, मैं तो चाहती थी कि सब इनॉग्रेट हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स करें, क्योंकि उनको भी बहुत प्रसन्नता होगी, और नीतीश या चीफ मिनिस्टर को भी बहुत होगी। तो ये तो सेलिब्रेट करने का टाइम है, और मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ कि हमने बहुत सा काम किया है। 5% बचा हुआ है, 3 या 4%, वो भी हो जाएगा 1 साल के अंदर, लेकिन आप अंदर उसका भी रोड मैप आपने तैयार कर दिया। हाँ बिल्कुल, सभी रेडी है, अभी फंडिंग आए तो हो जाएगा, वो भी हो जाना चाहिए। इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के निर्माण के सफर में, आप बिहार से नहीं हैं, बिहार में लोग कहता है कि बिहार आने में डर लगता है, कितना मुश्किल रहा, कितना सपोर्ट मिला बिहार के लोगों का, खासकर नालंदा के लोगों का, बिहार गवर्नमेंट का? देखिए बिहार मैं नहीं जन्मी हूँ, यहाँ की नहीं हूँ, लेकिन नालंदा या बिहार कहिए, मेरी कर्म भूमि बन गई है। ये जब मुझ पर इतना भरोसा कर हमारे प्रधानमंत्री और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय के मिनिस्टर जब मुझको बुला के कहते हैं कि ये अब प्रणब मुखर्जी जी फॉर्मर प्रेसिडेंट के, अब आपको नालंदा को फिर से जीवित करना है, योर टाइम टू रीबिल्ड, तो ये भरोसा जो मुझ में दिखाया है मेरे कॉम्पिटेंस में, ये मुझको बहुत बहुत प्रेरित किया है। और नालंदा नाम ही इतना मैजिकल है, इसमें किसी तरह का एक स्पिरिचुअल ऑरा है यहाँ पर, तो मैंने उसको लेकर मैंने किया है। और नालंदा के जितने निवासी हैं सभी ने बहुत भरपूर प्रेम दिया है और रिस्पेक्ट दिया है, मुझको बहुत इज्जत अफजाई मिली है यहाँ पर। चीफ मिनिस्टर ने कभी इंटरफियर नहीं किया, कभी कोई डिमांड नहीं रखा, वो वही खुद बहुत प्रेरित किया मुझको कि यहाँ पर देखिए, वैसे कोई भी नहीं आया मेरे पास कुछ रिकमेंडेशन लेकर, हमारे चीफ मिनिस्टर ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जिसको मैं अपना मानती हूँ, और मैंने बहुत किया है, मैं तो राष्ट्रवादी हूँ, तो राष्ट्र के लिए जो भी कर सकते हैं तो हम जान भी दे सकते हैं, ऐसे काम करना चाहिए, और वैसे ही किया। तो प्रेम तो बहुत मिला है यहाँ से, डर का माहौल तो रहता है, मेरा एक ही डर था कि बच्चे सुरक्षित रहें, क्योंकि अलग अलग देशों के बच्चे, जब से मैं गई थी तो 2 देश के बच्चे थे, आज मेरे पास 30 से ज़्यादा देशों के हैं, अगले सालों में और भी आ जाएंगे, ये सुरक्षित रहें। तो इसके लिए मैंने नालंदा को खुद एक सेफ कम्युनिटी बनाया है, सिक्योरिटी हमने सोच समझ के लगाई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये देखिए फंडिंग, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत तारीफ करूँगी, आप
इन्होंने फंडिंग इतनी अच्छी पहले से बनाई हुई थी फंडिंग का पैटर्न, लेकिन कभी मुझको आनाकानी नहीं हुई। जब भी मैं गई हूँ मैंने कहा देखिए मुझको अगर नालंदा बनकर खड़ा होना है तो फिर फंडिंग आसानी से, क्योंकि यूनिवर्सिटी बनने के लिए तीन चीज़ें मुख्य हैं। एक तो है फंडिंग आपका, सैलरीज हो जाती हैं इसमें, सिक्योरिटी, हाउस कीपिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस। दूसरे है कि आपकी फैकल्टी बहुत ही नॉलेजेबल इंटेलेक्चुअल हेड्स हैं, यू नो, तो दे नीड टू बी। वहाँ पर मुझको एक चैलेंज मिला कि अच्छे फैकल्टी बिहार नहीं आना चाहेंगे, और या तो रिटायर्ड फैकल्टी आएंगे या तो बिल्कुल फ्रेश आएंगे, तो ये एक चैलेंज नालंदा के लिए रहेगा। तो मैंने एक अलग धारा ली इसमें, गवर्निंग बोर्ड से अप्रूवल मैंने ले लिया कि कहकर कि हम विजिटिंग प्रोफेसर्स जितने भी आ सकते हैं इनको एक साल, एक सेमेस्टर, दो सेमेस्टर, तीन साल तो ये आते रहें, तो अलग अलग स्कॉलर्स आएंगे पढ़ाएंगे तो ज्ञान भूमि और खिल जाएगी। ये सब तो चल रहा है मैम, और अंत में जाते जाते वो बच्चे जो आप नालंदा यूनिवर्सिटी में जैसे मुझ जैसा लड़का है जो पढ़ नहीं पाया, उसको मलाल है कि काश हमारे समय में उठ के खड़ा हो गया होता यूनिवर्सिटी तो हमारा भी दाखिला हो जाता। आप तो कह रही हैं अभी भी पढ़ सकते हैं आप, तो उनके लिए एक छोटा मैसेज आपका। वेल, मैं कहूँगी आज जो हम नालंदा बनाए हैं तो ये तो एज बार नहीं है, कोई 70 साल के भी हों ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे द्वार खुले हैं। ये कहूँगी आप लोगों के लिए जो काम में व्यस्त रहते हैं, वक्त नहीं मिलता है, उतना समय नहीं निकाल पाते हैं, शॉर्ट प्रोग्राम्स रखी हूँ मैं। ये हम बाहर वेस्ट में इसको कैप्सूल प्रोग्राम कहते हैं, मैंने काफ़ी स्टार्ट किए हैं, तो एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है तो कर ले, नालंदा ट्रेडिशन से लेकर रिमोट सेंसिंग से लेकर हमारे पास बुद्ध ज्ञान, फिलॉसफी, हर लैंग्वेजेस, फॉरेन लैंग्वेजेस, सभी तरह के कोर्स, अलग अलग कोर्सेज बनाए हमने, तो छोटा कोर्स कर ले तो आपको लगेगा कि नालंदा में पढ़ेंगे ना आप, तो आ जाए तो 3 महीने का कोर्स कर ले, 4 महीने का, तो जिसको मलाल है मन में वो फिर भी कर सकते हैं। यहाँ आपने वो भी बनाया है सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ये भी किया है मैंने, मैंने कहा शॉर्ट प्रोग्राम्स रखिए। हम लोगों के वीडियो में बहुत कमेंट आते हैं कि एडमिशन कैसे होगा और हम पढ़ सकते हैं कि नहीं। एडमिशन देखिए लगन होनी चाहिए, हम यही देखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, इसको SOP कहते हैं, कि आप ऐसे ही आ रहे हैं यहाँ पर घूमने या फिर पढ़ना चाहते हैं, तो ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और ये हम इंटरव्यू भी लेते हैं, हम देखते हैं कि लगन कितनी है पढ़ने की, तो उस बेसिस पे ये जैसे एंशियंट नालंदा में द्वारपाल हुआ करता था जो ज्ञान को एसेस कर एडमिशन फिर दाखिला होता था, हम भी तकरीबन वही करते हैं। अच्छा, पहले असेसमेंट होता है फिर एडमिशन होता है, फिर एडमिशन। आप में भी क्षमता है तो आइए, नालंदा यूनिवर्सिटी के द्वार आपके लिए खुले हुए हैं। कितना चैलेंजिंग रहा मैम एक बार, ये तो बड़ा ये चैलेंजिंग तो हर स्टेप पे रहा, हर कदम पे रहा, यू नो, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं है और कॉम्पिटेंट ट्रेंड लोग नहीं हैं, तो मैंने एक छोटी टीम मुझको मिली जो प्रेरित हुई मेरी कमिटमेंट से, तो उनको लेकर बहुत चैलेंजेस, बट चैलेंजेस यू कैन ओवरकम। मैं बिलीव करती हूँ कि आप लगन से काम करें तो हर चैलेंज को ओवरकम कर सकते, तो मेरे डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, तो मैं उसी दिशा में, विदेश मंत्रालय में आता है तो हम इसको सॉफ्ट डिप्लोमेसी के अंडर भी नालंदा को देखते हैं, तो वो भी 100 दिशाओं में काम किया है यहाँ, और चैलेंजेस तो बहुत थी, अभी भी हैं, रहेंगी भी, और थोड़ी अब हिम्मत दिखानी होगी, और मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि आप हिम्मत नहीं रखेंगे तो कोई काम नहीं करेंगे, तो ये भी बहुत, करेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो चैलेंजेस बहुत हैं, उन चैलेंजेस के बीच में जो आदमी चल के आगे बढ़ता है वही सफल होता है, और उस सफलता की कहानी बयां कर रहा है नालंदा विश्वविद्यालय।
आपको बताएं कि इस ऐतिहासिक जर्नी में मैडम का बहुत बड़ा योगदान रहा और इस बिहार की इस पावन भूमि पर जो मैडम के कदम रखने के बाद जो विश्वविद्यालय उठ खड़ा हुआ उसमें इसके योगदान को ताउम्र यहाँ के लोग याद रखेंगे और बिहार के वासी कहिए पूरे देशवासियों की तरफ से हम मैडम वाइस चांसलर का आभारी हैं और धन्यवाद करते हैं कि भगवान इन्हें दीर्घायु बना रखे ताकि इस तरह का जो कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य है वो आगे भी होता रहे। इसी तरह का और वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए वे फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। Instagram और Twitter पर भी छोटे छोटे वीडियोज़ आते हैं, वहाँ भी नालंदा विश्वविद्यालय का रील्स आ रहा, आप चाहें तो वहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।